कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेन रेशियो की फॉर्मूला। आज हम उनके सम काउंट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कोमल, कृपा एंड करिश्मा आर द पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। तीन पार्टनर्स है पार्टनरशिप फर्म, कोमल, कृपा एंड करिश्मा। दे डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, यानी कि उसका ओल्ड रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस का ओल्ड शेयर क्या है, 3:2:1। ऑल द पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू चेंज द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो टू 5:3:2 फॉर द फ्यूचर, यानी कि न्यू शेयर क्या है, न्यू शेयर 5:3:2, तीन पार्टनर है उसका ओल्ड शेयर एंड न्यू शेयर अवेलेबल है। फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द सैक्रिफाइस रेशियो। अब सैक्रिफाइस रेशियो का काम करना है तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे, पार्टनर्स सैक्रिफाइस, पार्टनर सैक्रिफाइस यानी कि ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, पार्टनर सैक्रिफाइस यानी कि ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अब आपको लिखना है कॉमन, कॉमन शेयर, कॉमन का शेयर क्या है, उसका ओल्ड शेयर क्या है, तो उसका ओल्ड शेयर है वो है 3 डिवाइडेड बाय 6, प्रपोजिंग टोटल 6, माइनस न्यू शेयर कॉमन का 5 डिवाइडेड बाय प्रपोजिंग टोटल 10। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम के लिए क्या करना है, सीधा मल्टीप्लाई 10 × 6 60 10 × 6 60 10 × 3 30 माइनस 6 × 5 30, यानी कि 0 डिवाइडेड बाय 60 यानी कि आंसर 0। दैट मींस कॉमन को गेन भी नहीं हो रहा है, सैक्रिफाइस भी नहीं हो रहा है, उसका आंसर 0 आ गया। सेकंड पार्टनर का वो है कृपा, पहले कॉमन उसके बाद कृपा, कृपा शेयर, कृपा शेयर क्या है, उसका ओल्ड शेयर है वो है 2 डिवाइडेड बाय 6, 2 डिवाइडेड बाय प्रपोजिशन टोटल 6 माइनस न्यू शेयर क्या है 3, 3 डिवाइडेड बाय 10। एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या रहेगा 10 × 6 60 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 10 × 2 20 माइनस 6 × 3 18 यानी कि 2/60। अब लास्ट पार्टनर करिश्मा, करिश्मा शेयर और करिश्मा सैक्रिफाइस, तो करिश्मा सैक्रिफाइस क्या रहेगा, उसका शेयर है 1, तो 1/6 माइनस न्यू शेयर 2/10। एलसीएम ले लो तो 10 × 6 60 10 − 12 यानी कि −2/60। आप क्लियर देख सकते हो, अगर सैक्रिफाइस की फॉर्मूला आ गया आंसर पॉजिटिव आया है, ये पार्टनर है वो क्या कर रहा है सैक्रिफाइस, लेकिन उसमें जो नेगेटिव आंसर आ जाए तो वो पार्टनर क्या है लेगा गेन, लेकिन यहां आंसर है 0। इसका मतलब कि कोमल नहीं तो सैक्रिफाइस कर लेंगे नहीं तो गेन कर लेंगे। यहां लास्ट में कंक्लूजन लिख सकते हो कि कृपा सैक्रिफाइस इज 2/60 एंड करिश्मा सैक्रिफाइस इज 2/60। यहां देख सकते हो कृपास सैक्रिफाइस दैट इज 2/60 और इसे हम शॉर्ट कर लो तो 1/15 और करिश्मा, करिश्मास गेन, करिश्मास गेन माइनस 2/60 और आप लिख सकते हो 2/60 क्योंकि गेन कर रहा है तो नेगेटिव आंसर नहीं है, तो आप लिख सकते हो 1/15। क्वेश्चन नंबर 5,
उसमें लिखा था फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन कैलकुलेट सैक्रिफाइस रेशियो, तो कृपा एक ही है जो सैक्रिफाइस कर रही है और यह करिश्मा को गेन मिल रहा है, लेकिन कोमल नहीं तो गेन कर रही है नहीं तो सैक्रिफाइस। इसी तरह का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सचिन राहुल एंड रोहित आर द पार्टनर्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, तीन पार्टनर सचिन राहुल एंड रोहित। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इज 1:2:2, यानी कि ओल्ड शेयर, ओल्ड शेयर क्या है 1:2:2। ऑल द पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू चेंज प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो टू 3:2:1, यानी कि न्यू शेयर क्या हो गया, न्यू शेयर 3:2:1। ओल्ड शेयर का वो था 1:2:2, न्यू शेयर का वो 3:2:1। कैलकुलेट द सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ पार्टनर, सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ पार्टनर, तो पहले तो फॉर्मूला पार्टनर्स सैक्रिफाइस, पार्टनर सैक्रिफाइस ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अब देख सकते हो हमें काम करना है, पहले सचिन, सचिन क्या कर रहा है, सचिन के शेयर में देखेंगे तो उसका ओल्ड शेयर का 1 डिवाइडेड बाय प्रपोजिशन टोटल 5 माइनस न्यू शेयर क्या है 3 डिवाइडेड बाय 6। यहां पे शेयर ले लें जो 6 प्रपोजिशन टोटल डिवाइडेड बाय कितना है, यहां कैलकुलेट कर सकते हो 5 × 6 = 30, 6 × 1 = 6 माइनस 5 × 3 = 15, यानी डिफरेंस क्या रहेगा -9/30। अब देख सकते हो फॉर्मूला क्या है, सैक्रिफाइस की फॉर्मूला है, अगर सैक्रिफाइस की फॉर्मूला में आंसर नेगेटिव है तो ये पार्टनर क्या हो कर रहा है गेन, इसको आप मिनिमाइज भी कर सकते हो, या लिखा हुआ है 9/30 का लिख सकते हो 3 के साथ डिवाइड करके -3/10, लेकिन आंसर यही रहेगा गेन। अब सचिन के बाद राहुल, राहुल का ओल्ड शेयर क्या है, ओल्ड शेयर है 2/5 माइनस उसका न्यू शेयर क्या होता है 2 डिवाइडेड बाय प्रपोर्शन टोटल 6, एलसीएम ले लो 6 × 5 = 30 क्रॉस मल्टीप्लाई बाय 6 × 2 = 12 माइनस 5 × 2 = 10, यानी कि 2/30 यानी कि 1/50 आंसर पॉजिटिव है, इसका मतलब ये पार्टनर कर रहा है वो कर रहा है सैक्रिफाइस। अब लास्ट पार्टनर रोहित, रोहित का ओल्ड शेयर 2/5, रोहित का न्यू शेयर 1/6, एलसीएम ले लो 6 × 5 = 30, 6 × 2 = 12 माइनस 5 × 1 = 5, यानी 7/30। अगेन सैक्रिफाइस की फॉर्मूला में अगर आंसर पॉजिटिव आए तो वो पार्टनर सैक्रिफाइस ही कर रहा है। आप देख सकते हो यहां सैक्रिफाइस रेशियो में राहुल और रोहित दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं, एक सचिन में जो क्या कर रहा है गेन। अगर आपको काम करना है सैक्रिफाइस रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ राहुल एंड रोहित, तो राहुल का शेयर क्या है, जब हमने कैलकुलेट किया था वो आया था 2/30, रोहित का हमने कैलकुलेट किया था वो था 7/30, अगर डिवाइडेड में से 30 निकाल दो तो 2:7, तो ये हो गया सैक्रिफाइस रेशियो 2:7। सैक्रिफाइस रेशियो बिटवीन राहुल एंड रोहित 2:7, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं सैक्रिफाइस रेशियो में। हमने क्वेश्चन नंबर 4 काम किया था अमर अकबर का, दो पार्टनर थे, यहां हमने देखा तीन पार्टनर कोमल कृपा एंड करिश्मा, जिसमें अगर आंसर जीरो रहा तो
ना ही तो वो गेन कर रहा है ना ही तो वो सेक्रीफाइस कर रहा है। यहाँ सेक्रीफाइस की फॉर्मूला में आंसर पॉजिटिव है तो वो सेक्रीफाइस, अगर आंसर डिफरेंस नेगेटिव है तो वो कर रहा है गेन। इस तरह कंक्लूजन भी लिखना है। अगर यहाँ देख सकते हो तीन पार्टनर है, एक पार्टनर गेन कर रहा है, दो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जो दो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसके बीच में भी रेशियो काउंट करना है, तो आप ऐसे काम कर सकते हो। आई होप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा।